हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं BCS 051 यानी फिफ्थ सेमेस्टर का, जो भी आपका ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पेपर है, आपके असाइनमेंट्स का सोल्यूशन आया है। और जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड होंगे। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के 3 असाइनमेंट अपलोड किए, अभी मैंने FEG 02 के अपलोड किए हैं, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर लेना। तो बात करते हैं आपके BCS 051 के सॉल्व असाइनमेंट के बारे में। तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड पासवर्ड के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, बिकॉज पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपका पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है आई थिंक, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लगा है। और आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बट ये पेपर इजी है आपके लिए। जैसे कि आपने सिस्टम एनालिसिस पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में, उसमें DFT, SRS, ER डायग्राम जैसे चीज़ों को पढ़ा होगा, सेम उसी तरीके से इसमें भी है। मतलब वो एक मेन पॉइंट लेके चला जाता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20-30 मार्क्स के आपके आते हैं, 25 मार्क्स के। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। कि आपको कह रहा है ना कि SRS बनाना है। ठीक है, सो आंसर इज देयर। जिनको PDF नहीं मिल पा रहा है, वो स्क्रीन शेयर भी आप अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल व्यू आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी असाइनमेंट्स आपको सिर्फ यही मिलेंगे, और काफ़ी मैंने बहुत पहले पहले फास्ट अपलोड कर रही हूँ सॉल्व असाइनमेंट, तो उस चीज़ के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। 1000 के पार जाना चाहिए सब्सक्राइबर, तभी आपके असाइनमेंट्स अपलोड होंगे, मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। मुझे पता है कि 1000 के पार होने वाले हैं, 1-2 दिन में आप लोग कर दोगे, ट्रस्ट है। वीडियो को लाइक कर देना। और रात तक के में आपके सेकेंड सेमेस्टर के भी कुछ असाइनमेंट अपलोड किए जाएंगे, और फोर्थ के भी असाइनमेंट अपलोड किए जाएंगे, एंड जो बाकी रेस्ट है 3rd सेमेस्टर के भी, जो वो सब भी मैंने एटलीस्ट मैंने 4 असाइनमेंट आज अपलोड करने हैं, जो कि मैंने 2 अभी कर दिए और 2 बाकी है, जो कि अब सेकेंड और फोर्थ से होगा। ठीक है, सो उन दोनों सेमेस्टर के भी बाकी हैं, तो उन लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि यार मैम अब कर दो जल्दी। ठीक है, तो सबके कर ही रही हूँ, मैंने भी पढ़ाई रहती है, यू नो, सो हार्ड वर्क हो जा रहा है। और या काफ़ी स्टूडेंट, आई डोंट नो हु इज़ हे, बट कुछ लोग, कुछ पर्सन मेरे असाइनमेंट्स के जो भी हैं, मेरे नाम को हटा के और अपने नाम ऐड करके वीडियो बना रहे हैं या PDF को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आप किसी की मेहनत को इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते, नाम क्यों हटा रहे हो भाई, ये सारी चीज़ें जिसके जो भी कर रहा है, वेरी रॉन्ग, और बहुत ही गंदा चीज़ है ये सब, किसी की मेहनत को इस तरीके से स्पॉइल करना और अपने नाम को ऐड करना। भाई तुमको नाम ऐड करना है, तुम खुद मेहनत कर लो, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट, तो कुछ इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट को भी दिखाना पड़ता है अपेंडिसेस के वजह से। ठीक है, एंड क्रिएशन क्रिएट रिवर्स रिजर्वेशन है, सॉरी, उसके बाद रिपोर्ट के लिए ऐसा RRS किया जाता है, यानी RRS मतलब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। सी, बहुत ही इजी पेपर है, आप लोग ये पेपर खुद भी सॉल्व कर सकते थे, एंड मस्ट बी आई विल हैव टू से दैट थिंग कि आप खुद भी असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज बहुत इजी वे में रहता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। MCQ के स्टूडेंट के भी असाइनमेंट आएंगे, बट पहले BCA मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है,
ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं बच रखे हैं, बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, लगभग लगभग मैंने सारे कर दिए, दो बचे हैं, दो या एक बचा हुआ है, तो सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट आप चैनल को सब्सक्राइब तो करो, सपोर्ट तो दिखाओ। सी हियर द सेकंड क्वेश्चन, डेवलप द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फॉर द सिस्टम मेंशन इन द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या था कि RRS यानी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का जो SRS बनाया है उसका आपको डेवलप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से है जो कि आप देख सकते हैं। सी और मैंने पासवर्ड अभी दिखा दिया, और आई थिंक कि आपको दिख गया हो। तो ओह सॉरी, हियर द थर्ड क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट और एन एफर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब इसमें प्रोसेस बताना है एस्टिमेटिंग का, एस्टिमेटिंग का कि कॉस्ट और एफर्ट्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे। तो हियर द, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एस्टिमेशन, तो हियर देन उसके बाद मैंने कॉस्ट और एफर्ट्स भी बताया कि पिकअप अप्रोचेस क्या होते हैं। और यही हमको यहाँ थर्ड नंबर स्टेप में आपको कॉस्ट और एफर्ट्स के बारे में भी मैंने बता रखा है। तो सी उसके बाद मैंने एक्यूरेसी भी बता दिया और कुछ उसके बाद आप लोग थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, सब्सक्राइब फॉर मोर असाइनमेंट्स, नोट्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ज्वाइन द माई टेलीग्राम चैनल, बिकॉज आप वहाँ पे अपने सारे जो भी एक क्वेश्चन जो कितने स्टूडेंट को होते हैं कि कोई क्वेश्चन पे डाउट होता है तो एक पर्सनली उस चीज़ को वीडियो बना के डालना एफर्टलेस हो जाता है। तो वो उस चीज़ को मैं सॉल्व करती हूँ ऐसा टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व देते हैं मैं उसको तुरंत इमीजिएटली सॉल्व करके प्रोवाइड करती हूँ। तो उस चीज़ के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप, चैनल और ग्रुप, तो आप दोनों ज्वाइन करते हैं फॉर एनी स्टूडेंट फॉर BC और MCA, ओके ओनली फॉर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।